नमस्कार सर। नमस्ते जी। सर क्या नाम है आपका? दिनेश दास। सर कहाँ से हैं आप? खरगोन जिला एमपी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर दास ने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 21 जनवरी 2011 को ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? सर संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले दास 2001 से जय गुरुदेव के अंदर था, उसके पहले देवी देवता की भक्ति करता था और जय गुरुदेव के साथ में रह के बड़े बड़े काफले करे और जय गुरुदेव के साथ में रह के सारी संगत में प्रचार प्रसार करते थे। उसके बाद भी दास को बहुत ही हानि हुई और घर में कलह क्लेश और हमारे एक 10 साल का बेटे की मृत्यु हो गई थी और मेरी पत्नी मेंटल टाइप हो गई थी और हमारा घर भी बर्बाद हो गया था। हम पहले इंदौर में रहते थे, वो घर को हमने सस्ते भाव में बेच के फिर हम खरगोन चले गए और हमारी आर्थिक स्थिति भी बहुत ही ख़राब हो गई थी और हम बिल्कुल बेघर हो गए थे और हम किराए से रहने लग गए थे। जय गुरुदेव पंत में सर दास सन 2000 से 2010 तक रहा। जय गुरुदेव पंत की भक्ति करते हुए हमें कोई भी लाभ नहीं हुए। सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में सर ऐसे आए कि दास पर्सनल काम से सूरत जा रहा था, वहाँ पर एक संत रामपाल जी महाराज के शिष्य पाम्पलेट बांट रहे थे। उस पाम्पलेट में लिखा हुआ था अवश्य जानिए जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कह न्यारा। फिर लिखा हुआ था कौन ब्रह्मा का पिता, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है। ये प्रश्न सुनकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और मैंने दास ने यह सोचा कि जब हम जय गुरुदेव में थे तो भी देवी देवता की पूजा करते थे, सब कुछ करते थे और यहाँ पर तो बता रहे कि कौन ब्रह्मा का पिता, कौन विष्णु के माँ, शंकर का दादा कौन है। फिर आगे लिखा हुआ था माता दुर्गा अष्टंगी का पति कौन है। फिर मैंने सोचा फिर ब्रह्मा विष्णु महेश किसकी भक्ति करते, जब ब्रह्मा विष्णु महेश और किसी की भक्ति करते। और वो पाम्पलेट देने वाला जो संत रामपाल जी महाराज का शिष्य था वो चला गया, मैं उसको ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते संत रामपाल जी महाराज की दया भी और वो मेरे सामने आया और उन्होंने मेरे को पुस्तक दी और घर मैंने उस पुस्तक को पढ़ा। पुस्तक को पढ़ने के बाद में संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में गए और वहाँ जाके हमने 21 जनवरी 2011 को नाम दीक्षा ली। सर हमने सुना है कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेता है उनको बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, चाहे वो आध्यात्मिक हो, भौतिक हो, शारीरिक हो या मानसिक हो, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कुछ लाभ प्राप्त हुए? सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद में दास को जब मत्स्य की बीमारी थी तो वो 2 से 3 डॉक्टरों को दास ने बताया, उन डॉक्टरों को बताने के बाद भी वो मत्स्य की बीमारी सही नहीं हुई। ये मत्स्य की बीमारी करीब मेरे को 3 साल से थी भगत जी और कोई भी डॉक्टरों ने गोली दवा देते गए, मैं ऑपरेशन नहीं करवा रहा था, डर रहा था मेरे को नहीं ऑपरेशन नहीं करवाऊँगा। फिर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद में दास जब पहली बार आश्रम में गया और जब दूसरी बार हम तारीख पे जाते थे तो उस टाइम मैं सुबह सुबह संडास के लिए गया था, वहीं देखा कि लेटरिन के रास्ते में मतलब पूरा ब्लड ही ब्लड निकल गया। मैं एकदम देख के घबरा गया कि ये क्या हो रहा, पर संत रामपाल जी महाराज की दया ऐसी भी कि कुछ देर के बाद वो दर्द भी खत्म हो गया और उस दिन के बाद आज तक मेरे को मत्स्य की कोई भी शिकायत नहीं है और ना कोई दर्द होता है। संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरे मत्स्य की बीमारी आशीर्वाद मात्र से खत्म हो गई। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के पहले मैं जय गुरुदेव पंथ में था और जय गुरुदेव पंथ में रहते रहते हमारे बेटे की मृत्यु हो गई थी। 10 साल का बेटा था और हमारी 10 साल के बेटे की मृत्यु होने के बाद में हमारी जो पत्नी थी उनका मानसिक संतुलन भी खराब हो गया था और मानसिक संतुलन खराब होने की वजह से वो इंदौर में रह नहीं पाए। बोले कि अपन को ये मकान छोड़ना है, यहाँ पर नहीं रहेंगे, अपन खरगोन चले जाएंगे। तो फिर हम खरगोन आ गए और खरगोन आने के बाद में हम किराए से रहने लगे। उसके बाद में धीरे धीरे संत रामपाल जी महाराज की खबर मिली
तो दास पहले गया, उसके बाद में दूसरी बार पत्नी को भी लेके गया था साथ में, संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में लेके गए। तो वहाँ पर उन्होंने देखा, सब समझा, संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना, उसके बाद में उन्होंने भी नाम दीक्षा ले ली। उसके बाद में वो बिल्कुल अच्छे हो गए। आज संत रामपाल जी महाराज की भक्ति करते हैं और भक्ति करते करते आराम से आज उनको कोई भी टेंशन नहीं है और मालिक की दया से मौज है। उसके बाद में भगत जी दास को फिर एक लाभ और हुआ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले 10 साल का बेटा बचपन से बिल्कुल भी बोलता नहीं था, न उनकी मम्मी को कुछ उसकी आवाज़ समझ में आ रही थी, मेरे को तो बिल्कुल समझ में नहीं आती थी क्या बोलता है। जब हम संत रामपाल जी महाराज के वहाँ पर गए और जब संत रामपाल जी महाराज आशीर्वाद देने आते, वहाँ पर दास ने प्रार्थना लगाई कि मालिक ये आपका बच्चा बचपन से नहीं बोलता, तो आप दया करो मालिक। संत रामपाल जी महाराज आशीर्वाद दे के चले गए, फिर 2 कदम वापस आए, बोले बेटा आज से फिर ये बोलने लग जाएगा। उसके बाद में कुछ ही दिन पश्चात संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद में मेरा जो लड़का था, मेरा जो बेटा था, वो 10 साल तक बिल्कुल भी बोल नहीं रहा था, वो गूंगा टाइप था, उसकी आवाज़ साफ नहीं निकल रही थी, पर संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद मात्र से आज वो बिल्कुल बोलने लग गया और मालिक की दया उसके ऊपर भी हो गई। उसके बाद में सर एक लाभ और बताता हूँ। हमारी बेटी का भी सर दर्द करता था और जब 5 साल से पहले उसको हम बहुत पैसा लगा चुके थे और वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती थी, बहुत सारे डॉक्टरों के पास ले जाते थे। डॉक्टरों ने मेरी लड़के को माइग्रेन बता दिया, इनके सर में दर्द हमेशा बना रहेगा। और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा उस बेटी ने भी ले ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद में आज वो बिल्कुल ठीक है, उनकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही और पढ़ाई बिल्कुल हो चुकी उनकी। उसके बाद में सर एक लाभ और दास को हुआ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद में संत रामपाल जी महाराज इस दास को सतलोक ले गए थे। दास को संत रामपाल जी महाराज विमान लेके आए और बोले कि बेटा सतलोक चलो। दास उस टाइम क्या मतलब मालिक की मौज थी, दास ने बोला कि संत रामपाल जी महाराज आज नहीं, मैं कल चलूँगा। तो फिर परमात्मा चले गए, दास एकदम हड़बड़ा के उठा और एकदम रोने लग गया कि मालिक आज संत रामपाल जी महाराज कितनी बड़ी दया होती, और दास ने मना कर दिया। पर परमात्मा ने दास को बिल्कुल अपने सीने से लगाया और दूसरे रोज वही टाइम पे बिल्कुल संत रामपाल जी महाराज विमान लेके आए और बोले कि बेटा चलो सतलोक चलो। दास ने भी बोला हाँ परमात्मा, हाँ गुरुजी, बिल्कुल दास आपका तैयार है, चलो। मालिक ने विमान में बिठाया और संत रामपाल जी महाराज के साथ में विमान में बैठ के जब चले, उस टाइम बहुत सारे जीव नरक के अंदर पड़े रहे थे, हाहाकार मचा रहे थे, खूब चिल्ला रहे थे, हे संत रामपाल जी महाराज हमें बचा बचाओ, हमने आपको न पहचान करके हमने बहुत बड़ी गलती कर ली। और संत रामपाल जी महाराज वहाँ पर रोने लगे और दास भी खूब रो रहा था। और वहाँ पर मालिक ने बोला कि देखो बेटा, इन्होंने भक्ति नहीं करी तो ये यहाँ पर इतनी परेशानी में आ रहे। फिर मालिक और आगे दास को लेके चले। जब ब्रह्मा विष्णु महेश और गणेश जी का लोक दिखाया, अगर संत रामपाल जी महाराज अगर साथ में नहीं होते तो क्या मालूम उस लोक में भी अपन कहीं ना कहीं भटक जाते। फिर वहाँ से आगे जैसे चले तो धर्मराज के अदालत में गए। धर्मराज के अदालत में जैसे गए, धर्मराज ने अपनी कुर्सी एक साइड छोड़ दी और एक साइड खड़ा हो गया। संत रामपाल जी महाराज वहाँ पर विराजमान हो गए और वहाँ के धर्मराज ने बोला कि देखो ये आत्मा, ये संत रामपाल जी महाराज है, ये पूर्ण परमात्मा है, ये कबीर साहब के अवतार है, इनकी शरण कभी में मत छोड़ना, नहीं तो फिर हम तो क्या है जन्म मरण के चक्कर में फंसे, ब्रह्मा विष्णु महेश और ये जितने भी देवी देवता है सब जन्म मरण के चक्कर में फंसे। फिर संत रामपाल जी महाराज वहाँ से फिर आगे बढ़े तो जब एक गेट बहुत बड़ा आता है वहाँ पर काल भगवान बैठा रहता है। अगर संत रामपाल जी महाराज की शरण में थे नहीं तो फिर वहाँ पर जाने से, उस विकराल शरीर को देखने से अपन को इतना डर लगता है कि पूछो मत। मैं थोड़ा वहाँ पर डर रहा था, संत रामपाल जी महाराज ने बोला कि बेटा डरो मत, यहाँ पर सतनाम का सुमरण करो। जैसे ही दास ने सतनाम का सुमरण करा तो एकदम काल बहुत बड़ा था वो एकदम नीचे झुक गया।
जैसे नीचे झुका परमात्मा संत रामपाल जी महाराज आगे चले, दास भी उन्हीं के ऊपर पैर रख के आगे चला और एकदम आगे जाने के बाद में एकदम वो सीधा हो गया। आगे जैसे चले बस वहाँ से फिर सतलोक में चले गए। सतलोक जाने के बाद में बहुत ही वहाँ पर बड़े बड़े पहाड़ है, हीरा जवाहरत के, दूधों की नदी है और अमृत जल है और वहाँ पर बहुत सारी हंस आत्माएँ, और परमात्मा ने दास को वहाँ पर छोड़ दिया और हंस आत्माएँ मेरे आसपास सब खड़ी हो गई। दास के आसपास हंस आत्माएँ खड़ी हो गई और हंस आत्माएँ बोलने लगी कि देखो मृत्यु लोक से एक आत्मा संत रामपाल जी महाराज यहाँ पर लेके आए। तो संत रामपाल जी महाराज ने बोला कि इस आत्मा को अपना घर दिखा दो और सब पूरे ब्रह्मांडों को दिखा दो। तो संत जब वो आत्माएँ मेरे को ले कर चली और मेरा घर दिखाया, घर वहाँ पर इतना बड़ा था भगत जी, एक पृथ्वी के बराबर, मतलब ये इंदौर शहर कहीं नहीं लगता, इससे भी बहुत बड़ा वहाँ पर अपना एक घर है। और वहाँ पर फल फूल ऐसे है कि अगर एक को तोड़ लो तो दूसरा वहाँ पर तैयार हो जाए। तो दास की स्थिति थी, दास को पपीता खाने की बहुत शौक़ था, तो दास ने 5 पपीते बड़े बड़े एक साथ तोड़े। 5 पपीते एक साथ तोड़े तो वहाँ पर 5 पपीते वापस वहीं के वहीं लग गए और गुरुजी दूर से देख के दास को हंस रहे थे। फिर मालिक संत रामपाल जी महाराज को बोला, मैंने को मालिक संत रामपाल जी महाराज मैं एक पपीता थोड़ा सा खा लो। बोले हाँ बेटा खा ले। पपीता जैसे मैंने खाई, फिर परमात्मा ने बोला कि बेटा चलो वहाँ पर आपको परमात्मा के दर्शन करवा। वहाँ पर जैसे परमात्मा जो गुम्बज के ऊपर विराजमान थे, कबीर परमात्मा, और कबीर परमात्मा जैसे विराजमान थे वही संत रामपाल जी महाराज भी उनके अंदर समा गए। मतलब कबीर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज दोनों एक ही है। पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज धरती पर आए हैं और यहाँ पर अपना जीव को ज्ञान बता के अपना उतार गए। फिर कुछ ही देर बाद संत रामपाल जी महाराज ने दास को बोला कि बेटा आप नीचे जाओ। मैं वहाँ पर बहुत रोने लग गया कि मालिक अब दास को नीचे ना भेजो, अब मैं यहीं रहूँगा। बोले नहीं बेटा आपको नीचे जाना पड़ेगा, अपने भाई बहन जो भी है उनको सबको समझाना है, वहाँ पर प्रचार प्रसार करना, और आपको फिर वापस आपके पास सपना में फिर सारनाम मिलेगा, फिर आपको हम यहाँ पर लेके आएंगे, फिर आपको यहीं रहना पड़ेगा। फिर संत रामपाल जी महाराज की दया से दास को नीचे भेजा, फिर एकदम मेरी नींद खुली और मेरे को ऐसा लगा कि मालिक ने आज दास के ऊपर दया करी। तो जो लोग आज आपको देख रहे हैं वो भी बीमार हैं या परेशान हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर भगत समाज जो दास को देख रहा है, दुनिया वालों से, भगत समाज से प्रार्थना ही कर सकते हैं कि दुनिया वालों पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज धरती पर आए हैं, उनको पहचानो। खास करके दास अपने रिश्तेदारों को, भाई बहन छोटे बड़े जो अपने रिश्तेदार हैं उनको मैं बोलता हूँ, सबको प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी संत रामपाल जी महाराज को समझो। उनकी बुक ज्ञान गंगा पुस्तक, गीता तेरा ज्ञान अमृत, जीने की राह, ये सब पढ़ो और संत रामपाल जी महाराज की शरण में जल्दी से जल्दी आओ और अपना कल्याण कराओ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ऐसे ले सकते हैं, जो टीवी पर जो सत्संग आता है संत रामपाल जी महाराज का 7:30 से 8:30 बजे तक, उस टीवी के नीचे एक पट्टी चलती है, उस पट्टी पर सतलोक आश्रम के कुछ नंबर दिए जाते हैं, उस नंबर पर संपर्क करके आपको बता दिया जाएगा, जो आपका नज़दीकी नामदान सेंटर है वहाँ को आपको पता दिया जाएगा और वहाँ से आप नाम दीक्षा बिल्कुल आसानी से ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब।